गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बिजनेस स्टडी में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम मार्केटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, या जिसके आधार पर मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो उसमें जो वैरायटी वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, उन फंक्शंस के बारे में हम आज यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द मार्केटियर परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन बिलो। कौन कौन से फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, इट मींस मार्केट रिसर्च। इफ इट विल कम लाइक दिस, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट रिसर्च? इट्स स्टैंडिंग फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इस फंक्शन का क्या काम है? दिस फंक्शन हेल्प्स दैट मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट and to conduct market research the marketeer performs SWOT analysis. Here SWOT standing for strength, weakness, opportunity, threats. That is your SWOT analysis: strength, weakness, opportunity, threats. ki business ki kya kya strength strong points hain, kya kya uske weak points hain, kya kya uske samne opportunities hain, kya kya uske samne chunautiyan hain, to inke bare mein hum इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। ये मार्केटिंग का पहला फंक्शन है। व्हाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट द मार्केटियर फोकसेस ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट एंड यूजेस देयर स्ट्रेंथ टू कैप्चर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। और उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केटियर है वो क्या तैयार करता है? पॉलिसीज तैयार करता है, प्लान बनाता है, ताकि जो वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं उनको वो दूर कर सके। तो कंपनीज यूजेस इंटरनेट साइट्स, एसएमएस फैसिलिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सम कंपनीज कंडक्ट इवन डोर टू डोर रिसर्च टू गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। बहुत बार आपके पास मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेज या मैसेंजर के थ्रू मैसेज आप लोगों को मिलते हैं, मेल के थ्रू मैसेज मिलते हैं, जिसमें आप लोगों से इन्फॉर्मेशन फिल कराई जाती है। दैट इज अ काइंड ऑफ मेथड टू कलेक्ट द मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट डूइंग द एनालिसिस ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन। सो दैट कैन बी ए मेथड टू फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। हम इसमें मार्केट रिसर्च करते हैं, यानी मार्केट की अंदर किस प्रकार के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे सामने हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से नए कंपटीटर्स मार्केट में आ गए हैं जिनकी वजह से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है जिनको हम ग्रैब करके अपने मार्केट स्टैंडिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है प्लानिंग इज बेसिकली डूइंग इन एडवांस, डूइंग द थिंग्स इन एडवांस। And market planning standing for making the research, making the policies, making the strategies in advance after doing the proper research. After conducting marketing research, the marketeer has to plan the steps necessary to achieve marketing objectives. Under market planning, they make plan to increase production and plan to increase sales, plan to use promotional tools, etc. तो जब हम मार्केटिंग रिसर्च कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमें मार्केट प्लानिंग करनी होती है कि हम किस तरीके से अपने जो है टूल्स को यूज करके, प्लान्स को यूज करके अपने सेल्स को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए मार्केटियर ऑन कंडक्टिंग रिसर्च फाउंड दैट ही हैज 10% शेयर इन द मार्केट, देन ही कैन मेक अ प्लान टू इंक्रीज हिज शेयर टू 30%, देन प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल of production, plan for promoting of product etc can be prepared by him. It means ki wo apne market share ko 10% se 30% tak badha sakte hain yadi wo planning kare level of production ko badhane ke liye, yadi wo planning kare product ko promote karne ke liye, then it can be possible ki unka market share 10% se 30% tak badh jaye. This type of planning we required to do in the market planning. Product designing and development. A product अपने आप से तो बिकता नहीं है कि बनाया और रखा और बिक गया, उसको हमें प्रॉपर डिजाइन देना होता है, प्रॉपरली उसकी जो है पैकेजिंग करनी होती है, इस प्रकार से तैयार करना होता है
प्रोडक्ट को कि कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर्स को देख के परचेज कर सके। एवरी मार्केटियर ऑफर्स ए प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, बट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस हैज टू बी ऑफर्ड मस्ट बी प्लान्ड। तो उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी होगी। द प्लानिंग अ पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजंस लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूज इन प्रोडक्ट एंड व्हाट शेप ऑफ डिजाइन वुड बी यूज, व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग, हाउ मेनी मॉडल्स एंड हाउ इट कैन बी मेड बेटर देन द कंपटीटर्स प्रोडक्ट एटसेट्रा। फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज डन बाय द मार्केटियर। फॉर एग्जाम्पल इफ मार्केटियर इज डीलिंग विद रेफ्रिजरेटर देन इन प्रोडक्ट प्लानिंग दे डिसाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर, कलर, डिजाइन, टेक्नोलॉजी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में जब वो लॉन्च करेंगे तो उस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी ज्यादातर होता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इससे रिलेटेड बेटा मैंने बहुत दिन पहले एक पिक्चर भेजी थी आप लोगों को, आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो है वो सेब का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा था। उसने एक पट्टा लगा रखा था, अलग अलग साइज उसमें बने हुए थे और वो उसके अंदर एक सेब डालते हुए जा रहा था और नीचे अलग अलग बॉक्स बने थे। सबसे बड़े साइज का सेब सबसे बड़े वाले छेद में से नीचे डल रहा था और उससे मीडियम बीच वाले में, सबसे छोटा सबसे छोटे वाले खाने में डल रहा था। आपने एक पिक्चर ऐसी देखी होगी, मैंने शेयर की थी ग्रुप के अंदर, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी हो। यानी कि यदि आप मान लीजिए कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट की साइज, क्वालिटी, शेप, इनमें डिफरेंस आ जाए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग एटसेट्रा। Whereas grading means classifying the product on the some basis. The basis of classification can be size, quality, etc. And grading is necessary when companies are not following strictly the technique of standardization. And through grading, marketer can get higher price of the quality product. And grading is generally used in agriculture products, for example, wheat, rice, pulses, etc. तो हम बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करते क्यों हैं? कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इसलिए की जाती है ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके, और क्वालिटी प्रोडक्ट यदि है तो उसकी हमें सही कीमत, सही प्राइस उसका हम कस्टमर से चार्ज कर सके। और पार्टिकुलरली जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है वो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं ताकि पार्टिकुलरली क्वालिटी के हिसाब से हम उसके प्राइसेस को ले सकें। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, नेक्स्ट फंक्शन इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। The product is always supplied to customer in the packed form, and packaging refers to designing of the packet, wrappers, cartons, etc., which are used to pack the product. Packaging plays an important role in selling as attractive packing and induces the customers to buy the product. That is why packaging is called as silent salesman. You can underline this word, packaging. Packaging is basically a silent salesman. पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैकेजिंग जो होती है, लेबलिंग और पैकेजिंग जो होती है, बेसिकली दैट विल डू द वर्क एज ए सेल्समैन। दे गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हम पैकेजिंग इस तरीके से करते हैं, उनके रैपर्स, कार्टून को इस तरीके से तैयार करते हैं कि उनके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल होती है, कस्टमर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कस्टमर उन पैकेजिंग को देखकर, उस रैपर्स को देखकर सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ले लेता है। तो इसलिए पैकेजिंग जो है एक साइलेंट सेल्समैन के तौर पर माना जाता है। एंड लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। जो पैकेजिंग हम करते हैं उसके ऊपर जो लेबल तैयार किया जाता है वो लेबल उसकी इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है पैकेजिंग का। सो लेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कस्टमर, सच एज इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, प्रोडक्ट जो है कौन से बैच में प्रिपेयर हुआ है, या प्रोडक्ट में किस किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेबलिंग से मिलती है। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर लेबल होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर ताकि इंफॉर्मेशन को
जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड पार्टिकुलरली किसी एक प्रोडक्ट का एक अंदर एक कॉमन नेम, स्पेशल नेम होता है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, उसे ब्रांड बोलते हैं। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड ए स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सोनी, बीपीएल एक्सेट्रा आर यूजिंग कंपनीज नेम एज ब्रांड नेम्स, वेयर एज एयरटेल, टाइड एक्सेट्रा आर स्पेशल ब्रांड्स नेम सिलेक्टेड बाय द कंपनीज। द ब्रांड नेम मस्ट बी सिलेक्टेड बाय वेरी केयरफुली एज द कस्टमर्स लॉयल्टी डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड नेम। कंपनी के जितने भी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी लॉयल्टी यानी उनका उनकी वफादारी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो हमारे ब्रांड नेम के साथ कितने अटैच्ड है। यदि वो ब्रांड नेम के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड है तो कस्टमर्स को चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी महंगा क्यों ना मिले वो उसी को परचेज करना पसंद करता है। सो ब्रांडिंग मस्ट बी देयर। ब्रांडिंग स्टैंडिंग फॉर ए स्पेशल नेम ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का एक स्पेशल नाम होता है, जैसे कि हमने नाम पढ़े सोनी, बीपीएल एक्सेट्रा, एयरटेल, एयरसेल, टाइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ब्रांड नेम है। सैमसंग ब्रांड नेम है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, केवल अच्छी पैकेजिंग, अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी लेबलिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग या स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करने से बात नहीं बनती। अगर आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं तो उसके बाद उसको सपोर्ट सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, उसकी गारंटी, वारंटी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये सब कस्टमर को रिक्वायर्ड होती हैं। सो इन प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट कस्टमर इज द किंग पिन इन द मार्केट। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आज की डेट में मेन मोटो रह गया है हर एक बिजनेसमैन का। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, कस्टमर इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा। कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन ही इज सैटिस्फाइड विद द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब देखिए जियो है, जियो का नेटवर्क काफी अच्छा है, जियो का नेट रिचार्जेस भी काफी ठीक है, तो परमानेंटली लोग जियो का नेट रिचार्ज कराते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इंजॉय करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टेंटली जियो को केयर में कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दिया जाता है। इट मीन्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से कस्टमर्स के साथ अटैच है। ऐसे ही अगर हम बात करें सैमसंग के बारे में तो सैमसंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी में काफ़ी फेमस है। उसके प्रोडक्ट काफ़ी लॉन्ग सर्वाइवल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती भी है तो कस्टमर केयर हर शहर में अवेलेबल है, वहाँ जाकर अपने प्रोडक्ट की आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है या तो वो रिपेयर करके देते हैं या उसको ठीक करके देते हैं अगर गारंटी में है तो, और अगर आउट ऑफ गारंटी है तो उसको रिपेयर करके देते हैं बाय चार्जिंग सम मनी। तो मीन्स इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी होने की वजह से वो हमारे परमानेंट जो है ना प्रोडक्ट के कस्टमर्स बन जाते हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कीमतों का निर्धारण। प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय ए प्रोडक्ट। प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर खरीदता है तो उसके जो भी पैसा वो पेड करता है, या सर्विस खरीदता है तो उसके लिए जो पैसा वो पेड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइसिंग। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव एंड ए लिटिल वेरिएशन इन प्राइस मे टेक यूर कस्टमर टू कंपिटिटर्स प्रोडक्ट। मार्केटर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, डिमांड, कंपिटिशन एक्सेट्रा। तो कीमतें जो हैं वो पार्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम हाईली प्राइस चार्ज करते हैं प्रोडक्ट का तो हो सकता है प्रोडक्ट को कोई कस्टमर परचेज ना करे, लेकिन हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है कस्टमर को प्रोडक्ट के प्राइस में, भाई कंपिटिटर का प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट है, उनमें अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन है, एक दो रुपये का भी फर्क है, तो कस्टमर कंपिटिटर्स का परमानेंट कस्टमर बन सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है वो ना रहे। तो प्राइस को हमें बड़े हिसाब से, बड़े सावधानी से जो है ना
फिक्स करना चाहिए। प्रमोशन एंड सेलिंग, नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन एंड सेलिंग। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द मार्केटर नीड्स टू ऑफर देम टू कस्टमर्स, फॉर दिस ही परफॉर्म्स टू बेसिक फंक्शंस, प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड इंक्रीजेस द सेल्स। फॉर प्रमोशन मार्केटर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एक्सेट्रा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जरूरी है कि उसका अच्छे से प्रमोशन किया जाए, अच्छी सेलिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाए, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, वन बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट रिबेट टाइप का या फ्री गिफ्ट टाइप की स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, पर्सनल सेलिंग करवा सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग, पब्लिसिटी न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर, है ना, इस तरीके से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है प्रोडक्ट को हमने बना भी लिया, प्रमोट भी कर लिया, सेल भी कर लिया, लेकिन अगर कस्टमर उसकी डिमांड करता है तो वो कस्टमर तक जाएगा कैसे, पहुंचेगा कैसे? अगर हमने प्रोडक्शन कर लिया तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे, स्टॉक को कैसे इशू करेंगे, इन बातों के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजन लाइक प्राइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। तो ये सब बातें जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान दी जाती हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब डिसीजन लेते हैं प्राइस ऑफ चैनल का, मेंटेनिंग इन्वेंट्री का, स्टोरेज का, वेयर हाउसेज का, तो बड़े सावधानी से लिया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम्ड एट वन प्लेस वेयर द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, टू कवर दिस प्लेस गैप द मार्केटर मेक्स यूज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, एंड इट इज नॉट ओनली that finished goods need to be transported, but raw materials and various other inputs are also transported from place, from their place of origin to their place of use. It means transportation जो है function वो important है, क्योंकि हमें पता है product को यदि हम बना भी लेते हैं तो उसको एक place से दूसरे place पर हमें consume करने के लिए भेजना होता है, लेकिन ये compulsory नहीं है कि उसी प्लेस पर कंज्यूम हो जिस प्लेस पर हमने उसको प्रोड्यूस किया, तो दूसरी जगह भी कंज्यूम हो सकता है ना, तो उसको वहाँ भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए एक इसका इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। इसमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप प्रोडक्ट्स भी हम ट्रांसपोर्टेड करते हैं, जिनका एक इंडस्ट्री के लिए तो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो जब वो यूज करती है तो पहले इंडस्ट्री द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो दूसरे के लिए हो सकता है रॉ मटेरियल बन जाए। सो द मार्केटियर कंपेयर्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वेरियस क्राइटेरिया एंड सिलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स एंड फिनिश गुड्स। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके बारे में होता है, रॉ मटेरियल्स का, इनपुट्स का, फिनिश गुड्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। नाउ व्हाट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अ प्रोडक्ट को हमें स्टोर भी करना है ना। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, सो इट इज नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ ड्यूरिंग देयर टाइम गैप एज गुड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, थेफ्ट्स एटसेट्रा। So marketer often maintaining their own warehouses to store the products or may use of public warehouse to keep the goods safe and fresh till they are demanded in the market. इसका मतलब है कि भाई product क्योंकि immediately consume नहीं होता है तो वो produce तो कर लिया गया है लेकिन उसको कहीं रखना तो होगा, transportation से पहले, selling करने से पहले, तो उसके लिए warehouses होते हैं बेटा। उन वेयर हाउसेज के अंदर प्रोडक्ट को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, चोरी ना हो, या नमी से वो खराब ना हो, इंसेक्ट्स उसको खराब ना करें, इस तरीके से उसको बचाने के लिए वेयर हाउसेज का यूज करते हैं। कुछ तो मार्केटर्स अपने खुद के वेयर हाउस बनाते हैं, कुछ वो पब्लिक वेयर हाउसेज का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप
एग्जाम्पल के तौर पर अपने झज्जर के एरिए में देखें तो छूछकवास की तरफ चले जाएं तो ब्लू कलर के राउटेज बने होते हैं जहां पर बेसिकली हम अनाज का भंडारण करते हैं, या आप सांपला की तरफ चले जाएं तो आपको देखने को मिल सकते हैं स्टोरेज हाउसेज, जहाँ वेयर हाउस पब्लिक वेयर हाउसेज जहाँ पर लोग अपने पार्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस यूनिट इन दिस पार्ट, वी हैव डिस्कस अबाउट द मार्केट रिसर्च, थिंकिंग इन एडवांस बाय कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस, डेवलपिंग प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड डिसाइडिंग रेंज ऑफ प्रोड्यूस, प्राइस फिक्सेशन, पैकेजिंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन और पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सेलेक्टिंग ए नेम और मार्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग द प्रोडक्ट, जैसे ये चेक का निशान होता है, सही का निशान जिसको बोलते हैं नाइट का निशान ना, तो ऐसा सिंबल भी हम बना सकते हैं, मार्क भी हम बना सकते हैं। प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फिक्सिंग द प्राइस, डिसाइडिंग वेज टू प्रमोट द रोल ऑफ प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन द राइट क्वान्टिटी एट द राइट प्लेस, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एंड कीपिंग इन्वेंट्री टू सप्लाई व्हेन डिमांड अराइजेस। These all are the parts of our today's topic, and this is one case study. You can take the screenshot of it and send the answer for this. Along with your assignment, you will do this question also. जो पांच क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं उनके साथ आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे और आप शाम को 5 बजे तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देंगे। Till that, thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.